दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो कभी मर नहीं सकता और यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जीव है जो जैविक रूप से अमर है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो पृथ्वी पर अमर है, तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेलीफिश की। जेलीफिश अनंत काल तक जीवित रह सकती है, इसीलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश पृथ्वी पर डायनासोर से भी बहुत पहले से मौजूद है। जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब से यह अस्तित्व में आ गई थी। जेलीफिश में अमर होने की अद्भुत क्षमता है, और अमर होने की यह क्षमता इसके पास कैसी आई, तो इसके लिए हमें इसके लाइफ साइकिल को समझना होगा। जेलीफिश की लाइफ में दो स्टेजेस होती हैं, पॉलिप स्टेज यानी इमेच्योर स्टेज और मेडुला स्टेज यानी मैच्योर स्टेज। जेलीफिश जब अपनी एडल्ट स्टेज यानी मेडुला स्टेज में पहुंचती है, तो यह अपने लाइफ साइकिल को उल्टा कर फिर से अपने पॉलिप स्टेज यानी बचपन की अवस्था में पहुंच जाती है, और एक बार फिर से यह अपना जीवन शुरू करती है। ऐसा यह अनलिमिटेड टाइम तक रिपीट कर सकती है। जेलीफिश की इस स्पीसीज का नाम ट्यूरिटॉप्सिस न्यूट्रिकुला है। इसके अलावा जेलीफिश की एक अन्य स्पीसीज बेंजामिन बटन में भी पॉलिप स्टेज और मेडुला स्टेज को दोहराने की क्षमता होती है। जेलीफिश मल्टी सेलुलर क्रीचर्स की श्रेणी में आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम स्काइफोजोआ है, जो कि स्नेडारिया संघ के प्राणी है। जेलीफिश को यदि दो हिस्सों में काट दिया जाए, तो दोनों कटे हुए हिस्सों से दो नए जेलीफिशेस पैदा हो जाती हैं। इनमें खुद को क्लोन करने की क्षमता भी पाई जाती है। जेलीफिश का 95% शरीर पानी से बना होता है, और इसका बाकी शरीर एक्सटर्नल एपिडर्मिस और इंटरनल गैस्ट्रोडर्मिस दो सेल्स लेयर से बना होता है। जेलीफिश में ब्रेन, हार्ट और स्केलेटन नहीं पाया जाता। जेलीफिश का मुंह इसके बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, और यह इसी मुंह से खाना भी खाती है और वेस्ट मटेरियल भी इसी मुंह से बाहर निकालती है। जेलीफिश छोटी छोटी मछलियाँ, मछलियों के लार्वे, केकड़े और शैवाल को खाते हैं। विश्व भर में जेलीफिश की 2000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन अभी केवल कुछ ही स्पीसीज को खोजा गया है। जेलीफिश की कुछ स्पीसीज अपनी सुरक्षा के लिए और शिकारियों से बचने के लिए एक प्रकार की चमक बिखेरते हैं। जेलीफिश भले ही दिखने में खूबसूरत होती है, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज जहरीली भी होती है। इनका एक डंक सामान्य इंसान की मिनटों में जान ले सकता है। जेलीफिश में लंबे लंबे टेंटाकल्स पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे स्टिंग होते हैं, जो कि जहरीले होते हैं। यह इनका यूज शिकार करने के लिए करते हैं। सामान्यतः जेलीफिश का आकार 1 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर और वजन 2 किलो तक हो सकता है। इसके अलावा जेलीफिश की लॉयंस माने स्पीसीज की लंबाई 36 मीटर तक हो सकती है, और इसके टेंटाकल्स 12 से 15 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। यह अभी तक ज्ञात सबसे बड़ी जेलीफिश है। जेलीफिश की कुछ स्पीसीज में 6 आइस क्लस्टर पाए जाते हैं, और एक क्लस्टर में आंखों की संख्या 4 होती है। यह आंखें वेरिएबल ऑप्टिकल होती हैं। दोस्तों, बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो जेलीफिश की लाइफ साइकिल 6 स्टेजेस में पूरी होती है। एग्स, प्लैनुला लार्वा, बडिंग पॉलिप, पॉलिप, इफायरा या मेडुला, और इनकी लास्ट स्टेज होती है एडल्ट जेलीफिश। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपडेट्स पर बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।